जय तुलसी माता, श्री हरि नारायण भगवान जी की सदा ही जय हो। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2023 में शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विवाह किस दिन मनाया जाएगा और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रदोष काल में तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी जी को एक पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इस महीने में सिर्फ भगवान नारायण की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के महीने में ही भगवान श्री हरि नारायण ने शालिग्राम भगवान का अवतार लिया था और देवी तुलसी को वरदान दिया था कि मेरे शालिग्राम रूप के साथ आपकी पूजा की जाएगी और उनके शालिग्राम रूप को सदा उनके साथ रहने का भी वरदान दिया था। तब से तुलसी विवाह लोक प्रसिद्ध हो गया। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान कराने के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। जिन लोगों के घर में कन्या नहीं होती, वे अगर तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का कन्यादान करते हैं तो उन्हें पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इस बार कार्तिक मास में तुलसी विवाह कब है, इसको लेकर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो आइए अब हम जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और सही तारीख, साथ ही जानिए इसकी पूजा विधि के बारे में भी। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा। तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के एक दिन बाद द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस साल तुलसी विवाह का पर्व 23 नवंबर गुरुवार से शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 23 तारीख को रात 9:05 में शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को शाम 7:26 पर समाप्त हो रही है। इस साल उदय तिथि के अनुसार 24 नवंबर शुक्रवार को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। शुभ संयोग में अपने घर तुलसी शालिग्राम जी का विवाह रचाने से घर में अपार धन का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। तुलसी विवाह के दिन पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बन रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि 24 नवंबर को तुलसी शालिग्राम जी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगर आप अपने घर में तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में ही करें। कार्तिक मास के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 23 नवंबर को गुरुवार की रात 9:01 से शुरू होगी और 24 नवंबर की शाम को 7:26 तक रहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार उदय तिथि को महत्व देते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को प्रदोष काल में शाम 5:25 से शाम 6:04 के बीच किया जाएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, सूर्य उदय सुबह 6:51 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:25 पर होगा। चंद्रोदय का समय शाम 3:17 पर चंद्रोदय होगा और सुबह 4:31 पर चंद्रास्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:03 से 5:57 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त 2:53 से 2:36 तक विजय मुहूर्त रहेगा। गोधूली बेला शाम 5:22 से 5:49 तक गोधूली बेला रहेगी। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:41 से 4:01 के बीच में निशिता मुहूर्त रहेगा। अब जानते हैं 24 तारीख का अशुभ समय। राहु काल सुबह 10:48 से 12:08 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। गुलिक काल सुबह 8:10 से 9:29 तक गुलिक काल रहेगा। कार्तिक स्नान में सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर तांबे के बर्तन में जल भरकर तुलसी जी को जल देना चाहिए तथा संध्या समय में तुलसी जी के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उसके पश्चात श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार धूप दीप दिखाकर, चंदन लगाकर, नैवेद्य तथा पुष्प अर्पित करके घर में सुख शांति का वरदान
माँ तुलसी एवं विष्णु भगवान से मांगना चाहिए। केवल कार्तिक मास में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन तुलसी को देवी रूप में हर घर में पूजा जाता है। इसकी नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति तथा पुण्य फल में वृद्धि होती है। लक्ष्मी और तुलसी जी का संबंध भगवान श्री हरि नारायण के साथ होने से पुराणों में कहा गया है कि जिस घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा नहीं होता वहां माता लक्ष्मी जी का निवास भी नहीं होता। अतः तुलसी जी का पौधा हर घर के आंगन में होना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि अच्छा स्वास्थ्य और लक्ष्मी माता का सदैव निवास रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी तुलसी का पौधा घर के दरवाजे खिड़कियों चार दीवारी के सहारे तथा आंगन में लगाने से भवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अच्छी सेहत और जीवन को सुचारू ढंग से चलाने हेतु सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूर्य भगवान का पूजन करें तथा तुलसी को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। आयुर्वेद के अनुसार इसके पत्तों में संक्रामक रोगों को रोकने की अद्भुत शक्ति विद्यमान होती है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।